भागलपुर दौरा पर सूबे के गन्ना उद्योग व विधि मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंत्री जी धार्मिक न्यास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें भागलपुर जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड में संबंधित मंदिर मठ समेत अन्य स्थलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कहीं धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन अतिक्रमित है तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और विकास की दिशा में पहल करने को लेकर रणनीति पर भी विचार विमर्श करेंगे। साथ ही बाढ़ के कारण जिन किसानों के फसल की क्षति हुई है उन्हें मुख्यमंत्री फसल क्षति योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। बाकी कल बैठक के बाद विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। मोबाइल थोड़ा नीचे करिए भैया। हाँ हाँ इसी यही लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा गन्ना का खेती होगा, अच्छा इन्वेस्टर आएंगे, गन्ना का उद्योग लगाएंगे, एथेनॉल बनाएंगे और रोजगार का सृजन होगा। इसी दृष्टिकोण से ये दे रहा कि इस ऐतिहासिक धरती को नमन करते हैं और भागलपुर आने का मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड के जो परिसंपत्ति है मठ मंदिर, इस संपत्ति के एक हम लोग समीक्षा बैठक रखे हैं कि जो प्रॉपर्टी हमारे मठ मंदिर का है, न्यास बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जो कैडेस्टल सर्वे में है, जो बुझारत आरएस सर्वे में है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो हर लोग अपना अपना भूमि का सर्वेक्षण करा रहा है। लेकिन जो मठ मंदिर है, जो न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति है, इसका सर्वेक्षण सूची में नाम दर्ज हो जाए, उसकी संपत्ति का दर्जा हासिल हो जाए, इसलिए ये बैठक हम लोग कल जिला समर्थक के साथ और यहाँ के कमिश्नर के साथ हम लोग यहाँ बैठक आयोजित किए हैं, बांका पूरा प्रमंडल का और भागलपुर दोनों प्रमंडल का। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि भूमि का हम स्वामित्व प्रमाण पत्र देंगे, तो उसका भी जब सर्वे होगा तब स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये जो मूल रूप से धार्मिक न्यास बोर्ड का ये एक बैठक है प्रथम सी, और उसके बाद दूसरा कि जो गन्ना उद्योग जो नीति है उसके तहत जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, गुड़ खरसारी उद्योग, तो अभी सरकार उस पर जो है अनुदान दे रही है, रोजगार के दृष्टि से उसका काम कर रही है, तो गन्ना के उत्कृष्ट बीज के खेती करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास बीज नीति के तहत उसमें अनुदानित दर पर बीज देना, और जो सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री का बिहार सरकार का जो और देश के प्रधानमंत्री जी का जो एथेनॉल नीति है ये डेवलप करे, इसके लिए गन्ना का खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पर विमर्श करना है। और इन्हीं सब दृष्टि के साथ यह यहाँ भागलपुर प्रमंडल के बैठक कल 11:30 बजे से आयोजित है, उसी में भाग लेने के लिए हम लोग आए। स्थानीय वही ना बताए नहीं, गन्ना उद्योग से गुड़ खरसानी उद्योग होगा, गन्ना का किसान खेती करेगा और जो एथेनॉल है
एथेनॉल बढ़ावा देने के लिए जो विदेशी मुद्रा का जो बचत होगा एथेनॉल से, जो पेट्रोलियम डॉलर का जो बचत होगा, इस सब दृष्टिकोण से जब गन्ना का खेती होगा तब उद्योगपति आएंगे और एथेनॉल का उद्योग लगाएंगे। तो गन्ना का प्रमोशन करना है, इस दृष्टिकोण से प्रमंडल स्तर पर इसकी बैठक सरकारी कृषि विभाग के साथ और सभी अधिकारी के साथ।